हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल पर। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं नेटगियर के क्लॉक हेडफोन्स की। जो हेडफोन्स हैं ये मेनली यूज़ होते हैं गेमिंग, स्ट्रीमिंग, पबजी के लिए, पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 mm माइक, सॉफ्ट एयर कुशनिंग और थोड़ी सी गेमिंग, थोड़ी सी नहीं बहुत कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका इनपुट पावर, इनपुट मैक्सिमम इम्पीडेंस देख सकते हैं आप, साइज़ वगैरह। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका हेडफोन्स का नाम दिया है रेडगियर क्लॉक गेमिंग हेडसेट। यहाँ पे इसका जो प्राइस देख सकते हैं आप 1700 दिया है। और बाद में बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, ये कितने का मिलता है यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों इन्होंने गलत दे रखा है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग, तो इसको खोलने के बाद हमें पैकेट में मिलता है पैकिंग, डब्बे को देख कर देते हैं। इसके साथ हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हमें मिलते हैं ये गेमिंग हेडफोन्स। और इनकी जो सबसे ख़ास बात है, इनमें हमें जो LED मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है। गेमिंग हेडफोन्स की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खेलने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप इनकी कुशनिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 1-2 घंटे तो आप आराम से इनको पहन के निकाल सकते हैं। और एडजस्ट, किसी का सिर बड़ा, किसी का सर छोटा होता है, तो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए ये दे रखा है। ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है ऊपर तक, इधर से ऊपर नहीं हो सकता। और एक और फैक्ट, हमें मोबाइल में तो वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए मिलता ही है बटन, पर इसमें भी हमें बढ़ाने और घटाने के लिए बटन मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है हमें। जो हमें आउटपुट करने के लिए वायर मिलती है वो हैं ये 3 वायर्स। ये वायर USB वाली वायर LED के लिए, और एक इसमें माइक के लिए, और एक है ये रही, ये होती है एयरफोन के लिए। इन दोनों में से एक एयरफोन के लिए और एक माइक के लिए। और जो PC यूज़ करते हैं उनके लिए ये वायर तो लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, पर जो अभी मतलब जिनके पास एट ए टाइम PC नहीं है और कोई चेक करनी हो वायर, तो वो चार्जर में लगा सकते हैं ज़रूर। यार चार्जर में लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स चेंज ऑन हो चुकी हैं और खुद ब खुद ये कलर चेंज करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक बजट हेडफोन्स में। और यहाँ पे माइक में भी हमें एक LED मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि गेम खेलते टाइम और स्पेशली लाइव स्ट्रीम करते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं इसको इन हेडफोन्स को 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है वो सारी एडिट इसी से की है, मतलब वॉइस ओवर इसी से की है। तो जैसा भी आउटपुट है वो आपके सामने है। उस बात इसकी अगर आप वॉइस बहुत ज़्यादा हाई कर दें, मतलब पूरी हाइक भी कर दें, तो भी बहुत सारे हेडफोन्स में होता है कि वो उनकी आवाज़ फट जाती है, मतलब अच्छी नहीं आती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कोई भी, जो कि बजट हेडफोन्स में ऐसा होता है, पर इसमें नहीं हुआ। कि कोई भी ऐसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम की ID पर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर गेमिंग रूम है आपके पास, गेमिंग PC है, तो ये ज़रूर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव है और आपको इसको चलाने में मज़ा भी आएगा, और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो देखने वाले को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक और बात, इसमें हमें मिलती हैं 2 वायर्स। तो 2 वायर्स को चलाने के लिए हमें एक डिवाइस लेना पड़ता है, जो कि ये AUX to 2AUX, मतलब एक ऑक्स हमारे मोबाइल को लग जाएगी। अगर आप मोबाइल में खेलेंगे तो ये लग जाएगी आपके आपके इन वायर्स को, आपके इन वायर्स को ये लग जाएगी, और ये आगे जाके आपको आपके मोबाइल को लग जाएगी, और आपके लिए खेलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना या तो आप सिर्फ म्यूज़िक सुन सकते हैं या तो सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर इनसे आप दोनों काम कर सकते हैं। अब इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये स्टील है, वायर है, मेटल है, मुझे नहीं पता, पर ये जो भी है बहुत अच्छा है। मतलब 3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये गंदा नहीं हुआ, और ये लैदर का है, इसमें भी कोई भी डर्ट वगैरह नहीं जमी है। और आप हेडफोन्स तो देख ही सकते हैं, अगर दिखे
ये बिल्कुल न्यू के न्यू ही पड़े हैं, मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपके घर में बच्चा नहीं है, क्योंकि वो तो तोड़ेगा ही ज़रूर इसको। कुछ फ्रेंड्स हमारे बोलेंगे इसमें कि ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स भी ऐसे ही होते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लूटूथ हेडफोन्स पर आपको पबजी या लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम आवाज़ बहुत लेट आती है, जो कि एक उसमें प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे है क्योंकि इसमें आपको उसी टाइम आवाज़ आए। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ब्लूटूथ हेडफोन्स और वायर वाले हेडफोन्स के बीच और ये हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और बात कर लें हेडफोन्स की प्राइस की, तो इनका प्राइस अराउंड 800-900 के बीच में, अब मुझे याद नहीं है, पर 850 रुपीज़ शायद इसका प्राइस है। और ये जो है ये आपको इसके साथ नहीं मिलेगी, आपको अलग से लेनी पड़ेगी, और ये आपको अराउंड 40 रुपीज़ की पड़ जाएगी, 40-50। तो ये भी बहुत आसान है, मतलब आपको ये पूरे 900 रुपीज़ के पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है एक गेमिंग हेडफोन्स के लिए। इनके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ब्लूटूथ हेडफोन्स और वायर वाले हेडफोन्स के बीच और ये हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।